हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के लिए कैसा फेस मास्क लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ दो चीजों में बनने वाला है और आपके चेहरे को इंस्टेंट ब्राइटनिंग देगा और बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स देगा, ये गारंटी है। तो जी चलो, आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर का सिर्फ आपको एक छोटा चम्मच चाहिए, सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो हमें चाहिए दही। दही भी सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है, बल्कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, बहुत ही आसान सी रेमेडी है। और जो सबसे मेन चीज़ जो आपके उसके लिए चाहिए वो है एक चम्मच, एक छोटा चम्मच हमने लेना है, टीस्पून जिसको हम कहते हैं चाय वाला चम्मच, ये हम इस्तेमाल करेंगे दोनों के। तो जो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लेना है दही, दो चम्मच भर भर के हम लेंगे। ये देखिए जी, दो छोटे चम्मच जो है हमने दही के ले लेने हैं भर भर के। उसके बाद जी हम ये ले लेना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। Two thousand years later. कॉर्नफ्लोर का भी हम एक छोटा चम्मच लेंगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसका पेस्ट बन जाए। और जी, इस फेस पैक की सबसे मजे की बात, ये फेस पैक सब स्किन टाइप्स के लिए, अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा ड्राई है आप लोग फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों की स्किन पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं, पीप वाले दाने हैं, गर्मी दाने हैं, कोई से भी दाने, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्ने है बहुत ज़्यादा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये हर स्किन टाइप के लिए है। और तो और ये जो गर्मियों में आप लोगों की स्किन पर ऑयल आ जाता है जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, वो भी ये सही करेगा। तो जी यहाँ पर हो जाता है हमारा मास्क तैयार। इस तरह से कस्टर्ड की फॉर्म में आ जाएगा। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, पेस्ट से बना लेना है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी है, इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो मैं अपने हाथों से ही लगाऊंगी, आप लोग भी अपने हाथों का इस्तेमाल करें, ब्रश को ना ही यूज़ करें तो अच्छा है। इसको ये देखें, इस तरह से क्रीम सा पतली सी लेयर हम इसकी लगाएंगे, अंडर आई भी लगाएंगे। ये पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करता है, जहाँ जहाँ आप लोगों की पिगमेंटेशन है वहाँ पे आप लोग ज़्यादा लगाएं, लिप्स के पास, हर जगह अच्छे से लगाना है, आँखों के पास से ज़रा ध्यान से ताकि आँखों में ना चले जाए। अंडर आई भी अच्छे से लगाएंगे। ये बहुत ही कमाल का मास्क है, काफ़ी लोगों ने इसको ट्राई भी किया हुआ है। इसके रिव्यूज़ देना मुझे ना भूलिएगा, अगर आप लोगों को रिज़ल्ट मिलता है फिर भी आप लोग रिव्यू दें, नहीं मिलता फिर भी दें, मुझे बताएं कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। अगर कोई इवेंट आने वाला है या जिसकी शादी है और थोड़े दिन रह गए हैं, वो इसको दिन में दो दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर बहुत कम दिन रह गए हैं तो आप इसको तीन बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप इसको एक दिन के बाद भी इस्तेमाल करें, डेली इस्तेमाल करें, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा ये मास्क है कि आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा ये यूज़ करने के बाद। ये हर एज के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हम मेकअप अप्लाई कर सकते हैं ना, तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मास्क है। देखो, दही भी हम खाते हैं उसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कॉर्नफ्लोर भी हम सूप वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो भी हमें पता है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब हम इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे अच्छी तरह से, ये हर जगह लग जाए। अब जो है हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, इसको ड्राई होने देना है। तो मिलते हैं 8 से 10 मिनट बाद। वेलकम बैक। तो जी यहाँ पर ये ड्राई हो चुका है, 10 मिनट हो गए हैं तकरीबन। देखिए ये लाइन्स पड़ रही है ना, ये ड्राई हो गए। अब टाइम आता है इसको वॉश करने, इस वजह से जो है मछलियाँ नहीं जैसी होती, ऐसे मछलियों की बॉडी जैसे। अब हम इसको साफ करते हैं, चेक दिस, ये देखिए कितने कमाल का लग रहा है, वाओ, बहुत ही सॉफ्ट हो रहा है। तो जी मैं सारा रिमूव करके आपको मिलती हूँ।
तुझे यहाँ पर हो गया सारा रिमूव और बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आए। लिटरली पता नहीं कैमरा में फील हो रहा है या नहीं, लेकिन मेरी स्किन जो अब बहुत ही अच्छा सा शाइन कर रही है और बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट आया है। अगर आप लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसके बाद मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाय बाय।